समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा, छोटे दलों को साथ लेकर के चलने काम समाजवादी पार्टी करेगी और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। फोन टैपिंग और महंगाई को लेकर संसद में हंगामा चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जब इतना समर्थन मिला है, उन्नाव में ही 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा, सबसे ज्यादा विधायक उनके जनता ने जिताए, जब जनता भरोसा इतना कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जासूसी क्यों कर रही है? और अगर ये जासूसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो ये दंडनीय अपराध है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और दुनिया में कहीं अगर इस तरह की जासूसी कांड हुए हैं, अमेरिका जैसे देश में जासूसी कांड हुए, वहाँ पर उस समय के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था। राज्यसभा में सरकार बोल रही है कि ऑक्सीजन से कोई भी मौतें नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का इस पवित्र लोकतंत्र में और पवित्र स्थान पे सबसे बड़ा झूठ यही है कि ऑक्सीजन की कमी बिना जान लोगों की जान गई है, ऑक्सीजन से जान गई है। जो उपलब्ध अगर ऑक्सीजन करा देती सरकार तो लोगों की जान बच जाती। कृष्णा गांव राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में एक ही ऑक्सीजन से मौत हुई, इसमें क्या करें? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठ है, जिस समय लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाए। जो तड़पते हुए लोगों की जान गई है उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो सरकार है। ये सरकार का बयान आना, ये कहना कि बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये सबसे बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का है। जनता ने देखा है कि किस तरीके से अपने हाल पे छोड़ दिया था उन्हें। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्थित चुनाव में जनता को अनाज छोड़ करके अगर किसी ने काम किया था, सरकार ने अनाथ जनता को छोड़ा। सरकार अपने आप दोषी है, जिनकी जान गई, न दवाई उपलब्ध कराई, न बेड उपलब्ध कराया, जो सस्ती दवाइयाँ थी वो भी ब्लैक हुई उनकी सरकार में। मायावती जी एक बार फिर ब्राह्मणों को लेकर ब्राह्मण पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। रथ का क्या मतलब निकाला जाए? अखिलेश जी आज पहली बार आपने रथ निकाला। देखिए पिछली बार भी जब नाव आया था मैं साइकिल भी चला चुके, रथ भी चला चुके, इससे थोड़ी सुविधा होती है कार्यकर्ताओं से मिलने की और प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए। अगर कोरोना में प्रोटोकॉल को मानना है तो रस से अलावा कोई रास्ता नहीं है।